सिचुएशन तो ऐसा लग रहा है कि हम एयरपोर्ट में आ गए, जैसे बिल्कुल एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं यहाँ पे सब। लगता ही नहीं कि रेलवे स्टेशन मतलब अपना इंडिया का रेलवे स्टेशन इस टाइप के भी हो सकते हैं, बहुत अच्छा लगा। हम लोग यहाँ जो बना रहे हैं, जो स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, उसका फसाद कंट्रोल भी हम लोग देख रहे हैं कि जो राम मंदिर के जो फसाद है उसके अनुसार मिलता जुलता हो और जो यहाँ की जो पौराणिकता है उसको समेटता हुआ हो, उसको संजोता हुआ हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए रेलवे का जो आप स्ट्रक्चर्स देखेंगे बाहर से आपको पूरा मंदिर के स्वरूप का लगेगा, काफ़ी बेहतर है, उसमें पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, और जो अंदर का आपको पूरा आधुनिक रहेगा और उसमें की सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा है, 50,000 से 60,000 सर्कुलेशन कैपेसिटी है उसकी है, और वो केवल फेज़ वन है। ये फेज़ वन का स्टार्ट होगा, अभी हम का इनोग्रेशन होगा, फेज़ टू का भी और भी उसको हम लोगों ने प्लानिंग किया हुआ। हम पहली बार आए हैं लेकिन जैसे सुन रहे थे वैसा ही मिल रहा है हमको, उससे अच्छा मिल रहा है बल्कि। अभी यहाँ स्टेशन के एकदम कायाकल्प, स्टेशन तो ऐसा लग रहा है कि हम एयरपोर्ट में आ गए, जैसे बिल्कुल एयरपोर्ट जैसी सुविधा है यहाँ पे सब। लगता ही नहीं कि रेलवे स्टेशन मतलब अपना इंडिया का रेलवे स्टेशन इस टाइप के भी हो सकते हैं, बहुत अच्छा लगा। जितना इस स्टेशन को माइथोलॉजिकल तरीके से पौराणिकता से बनाया गया उतना ही आधुनिक भी बना। हाँ बिल्कुल, दोनों चीज का समावेश है इसमें, आधुनिकता भी है और पुराने उसके हिसाब से जो बनना चाहिए वो भी बन रहा है यहाँ पे। अगर आप बाहर से लुक देखें तो कहीं ना कहीं छत पे मंदिर की, हाँ मंदिर की आकृति बन रही है, सब लग रहा है। जैसे अपना हरिद्वार देखते हैं तो हरिद्वार भी इसी टाइप का बना हुआ है कि मंदिरों का शहर कहते हैं हरिद्वार को, लाइक अपना ये अयोध्या भी वैसे ही है। बहुत अच्छा लगा हम लोग।